और ये सामने देखिए महाभारत कालीन मंदिर है। ये जो सामने आप देख रहे हो ब्रिटिश लोगों की जेल है। देखिए यहाँ पे आपको स्पेशली ऐसी कोई छत बनाई हुई नहीं दिखेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुधीर कुमार वानखेड़े और आज हम आ गए हैं बुरहानपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक बहुत ही ऐतिहासिक किला जिस किले का नाम है आसिरगढ़। यहाँ देखिए किले का स्टार्टिंग व्यू कितना खूबसूरत है। आसिरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सतपुड़ा पहाड़ी शिखर पर समुद्र तट से लगभग 250 फीट ऊंचाई पर यह किला स्थित है। इस किले की गणना भारत के उन किलों में की जाती है जो अभेद और अजेय है। इस किले को इतिहासकारों ने बाय दक्कन यानी कि दक्षिण के द्वार से उल्लेख किया है। उस दौर में ऐसा होता था कि इस किले पर विजय यानी कि दक्षिण का द्वार उसका यानी कि यहाँ से पूरे खानदेश क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया जा सकता था उस दौर में। एक्चुअली इस किले की स्थापना कब और किसने की ये विश्वास से नहीं कहा जा सकता, पर कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस किले में महाभारत के योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की अमरत्व की गाथा से संबंधित कुछ किस्से यहाँ से रिलेटेड है। ये सामने देखिए ये नीचे जाने वाला रास्ता है। यहाँ देखिए किले का स्टार्टिंग व्यू कितना खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए कुछ लेख है लेकिन अभी हमें पहचान में नहीं आ रही है क्योंकि ये लैंग्वेज जो है उर्दू है। देखिए ये किला जो है मुगलों के आधिपत्य में ज़्यादा देर रहा तो इस वजह से उनके शिलालेख यहाँ पे देखिए। ये सामने का फ्रंट व्यू है, यहाँ से इस दरवाजे से हम अंदर जाते हैं। देखिए यहाँ से कैसा व्यू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार मोहम्मद कसीम के अनुसार आशा आहिर नाम के व्यक्ति ने इस किले का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि वो 15वीं शताब्दी में यहाँ आया था। यह आसिरगढ़ किला जो है कुछ समय चौहान राजाओं के आधिपत्य में था यानी कि पृथ्वीराज चौहान जी के वंशजों के आधिपत्य में था। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस किले पर यादवों ने भी राज किया था। चलिए निकलते हैं उस किले की तरफ। ये दरवाजा देखिए और यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं ये क्या है लेकिन देखिए। ऐसा माना जाता है कि नसीर खान ने धोखे से आशा आहिर से ये किला छीना था, फिर आदिल शाह फारूकी, उसके बाद बहादुर शाह और इस किले पर जो है अकबर की भी नजर थी ऐसा माना जाता है। ये देखिए कितनी डरावनी जगह है, देखिए बहुत ही खतरनाक जगह है। तो यहाँ संभल के आना पड़ेगा। देखिए अकबर ने बहादुर शाह और उसके पुत्र को बंदी करके इस किले पर आधिपत्य अपना स्थापित किया था। इतिहास में इस किले पर कई राजाओं ने राज किया। मुगलों को हराकर 1760 से लेकर 1819 तक यह किला मराठों के आधिपत्य में था। इतिहासकारों के अनुसार मराठों के पतन के पश्चात 1904 से अंग्रेजों की सेना इस किले पर निवास करती थी। ऐसा माना जाता है कि इस किले पर अंग्रेजों की जेल हुआ करती थी उस दौर में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कैदी रहते थे। ऊपर देखे एक इस्लामिक कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जगह पे पूरी तरह से इंडो इस्लामिक आर्टवर्क हमें दिखाई देता है। बेहद ही खूबसूरत आर्टवर्क देखिए। यहाँ के कंस्ट्रक्शन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ऊपर देखिए यहाँ पे आपको स्पेशली ऐसी कोई छत बनाई हुई नहीं दिखेगी क्योंकि ये पिलर ही ऐसे बनाए हैं, यहाँ पे ऊपर अलग से कोई छत बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए यहाँ बच्चों के पास देखिए यहाँ छोटी सी एक बावड़ी है। सामने जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो यहाँ पे सैनिक रहते थे, किले की सुरक्षा हेतु यहाँ से नजर रखी जाती थी।
इतिहासकारों के अनुसार मराठों के पतन के पश्चात 1904 से अंग्रेजों की सेना इस किले पर निवास करती थी। ऐसा माना जाता है कि इस किले पर अंग्रेजों की जेल हुआ करती थी उस दौर में। और यहाँ सामने आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। देखिए, शायद यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का ऑफिस हुआ करता था उस दौर में। देखिए, बहुत ही डरावनी जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ सामने देखिए, छोटा सा कुआं है। यहाँ देखिए, एक पानी का डैम दिखाई दे रहा है, बेहद ही खूबसूरत व्यू है। देखिए, और किले के ऊपर से आगे का व्यू देखिए। और ये सामने देखिए, ये महाभारत कालीन मंदिर है। तो चलिए मंदिर के अंदर जाते हैं हम। इसी मंदिर से महाभारत कालीन इतिहास जुड़ा हुआ है। पर कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस किले में महाभारत के योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की अमरत्व की गाथा से संबंधित कुछ किस्से यहाँ से रिलेटेड है। ऐसा कहा जाता है कि बुरहानपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से एक लंबी सुरंग है और इस सुरंग से अश्वत्थामा तापी नदी पर स्नान करने जाते थे, ऐसा कहा जाता है। सुबह जो भी आता है उसे यहाँ पे शिवलिंग पर एक बहुत ही ताजा फूल दिखाई देता है जो इन पहाड़ियों पे बहुत ही रेयर पाया जाता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि अश्वत्थामा रोज सुबह आकर पूजा करते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो ब्रिटिश लोगों की जेल है। देखिए, इसी जेल में वो कैदियों को कैद करके रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन है, ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन। और जल व्यवस्था इस किले पर देखिए। और ये सामने देखिए बादाम कुंड। ये सामने देखिए एक और एक बावड़ी। कई सारी बावड़ियां इस किले पर हमें दिखाई देती है। पानी स्टोरेज के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ था उस दौर में। देखिए, आसिरगढ़ का जो व्यू है वो हमने देख लिया है, साथ में हमने इस किले की पूरी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ले ली है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही हमारे एस कुमार व्लॉग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।